एक तो देश में कोरोना का कहर, ऊपर से गर्मी भी अपने चरम सीमा पर है। ऐसे में सोचिए कि अगर 5 दिन से गाड़ी लगातार जाम में फंसी हो तो चालकों व अन्य राहगीरों का क्या हाल होगा। आपको जो नज़ारा दिख रहा है ये यूपी बिहार बॉर्डर का है। अगर ट्रक चालकों की माने तो उनका कहना है कि वे 5 दिन से जाम में फंसे हैं और ये जाम करीब 25 से 30 किलोमीटर तक का है। वहीं ट्रक चालकों ने जाम का कारण अवैध वसूली भी बताया है। दरअसल यूपी बिहार बॉर्डर पर इन दिनों आने जाने वालों के लिए जाम एक बड़ी समस्या बन गई। हालात ये कि यूपी के नौबतपुर बॉर्डर से भगवानपुर तक कई किलोमीटर लंबे जाम लगने के कारण आने जाने वालों को, विशेषकर अप्रवासी मजदूरों को भारी मुसक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि लोगों को 5-6 दिनों से बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। अगर स्थानीय लोगों की बात पर गौर करें तो बिहार बॉर्डर से लगभग 30 किमी लंबा जाम लगा हुआ है। एक तरफ जहां लंबा जाम के पीछे आने जाने वालों का मेडिकल परीक्षण आदि बताया जा रहा है, वहीं कुछ ट्रक या अन्य गाड़ी चालकों का कम माने तो उनका कहना है कि अवैध वसूली इसका बड़ा कारण है, जिसके कारण यूपी बिहार बॉर्डर पर जाम बनी हुई है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम छुड़ाने में लगी हुई है। सैदराजा थाना अध्यक्ष संतोष कुमार राय ने बताया कि बिहार की जब तक दोनों लेन चालू नहीं होती तब तक जाम की स्थिति बनी रहेगी। बता दीजिए आप भाई, 5 दिन से लाइन लगा है। आप लोग कब से जाम में फंसे हैं? 5 दिन से। कहाँ तक जाम है लगभग? 5 दिन से फंसे हैं। क्यों बता रहे हैं लोग, क्यों जाम लगा हुआ है? ये गाड़ी है, वो पैसा वसूली कर रहे हैं ऊपर। वसूली किस लिए वसूली? क्या लदा हुआ है? क्यों ओवरलोड?